बाकी एसयूवीज को देखिए, टोयोटा अपनी एसयूवी की रेंज ऑल ओवर इंडियन मार्केट में एक्सपांड करने का विचार कर रही। करंटली टोयोटा इज इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग लार्जर एसयूवी बेस्ड ऑन दी कोरोला क्रॉस, ताकि हुंडई अल्काज़ार एंड प्रोबेबली हुंडई टुक्सन एंड जीप मेरिडियन एक्सयूवी 700 हैरियर जैसे ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए। और जो बाकी की जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है जैसे कि क्रेटा एंड सेल्टोस, तो इनके भी बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक नई एसयूवी टोयोटा इंडिया में लॉन्च करने वाली, जिसका नाम है कोरोला क्रॉस, जो कि एक क्रॉसओवर एसयूवी है टोयोटा की। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी क्रॉसओवर एसयूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है फ्यूचर में। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंडिया की बेस्ट कार कम्युनिटी बनाने में हमारी हेल्प करना। तो भाई आप लोग कह रहे होगे कि गाड़ी की शक्ल तो दिखा, कब से बक्के जा रहा है, तो लो गाइस 1, 2 एंड 3 देख लो। तो अगर हम देखें इसके फ्रंट में, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ग्रिल मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो बीच में आप लोगों को टोयोटा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, 2 LED हेडलैम्प्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं विथ LED DRL, और उनके नीचे आप लोगों को फॉग लैम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रंट प्रोफाइल इनोवा हाईक्रॉस से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, तो कुछ इस प्रकार की फ्रंट प्रोफाइल इसकी रहने वाली है जो कि काफ़ी हद तक अच्छी दिख रही है। तो अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में आप लोगों को तो भाई साहब कुछ इस प्रकार का शानदार एलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं, इसका कि मुझे साइज मालूम नहीं है, और काफ़ी अच्छी ब्लैक क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी दिख रही है इस गाड़ी के ऊपर। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर आते हो मिरर की तरफ, तो मिरर के नीचे आप लोगों को छोटा सा गोल दिख रहा होगा, वो कैमरा है गाइस, इसका मतलब आप लोगों को 360 कैमरा मिलने वाला है। तो ऊपर आप लोगों को रूफ रेल्स भी देखने के लिए मिल जाती है, तो जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक अच्छी दिख रही है, मॉडर्न एंड स्टाइलिश। तो साइड प्रोफाइल का तो हो गया, तो अब हम बात करें इसके रियर की। तो रियर में आप लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाता है, बीच में सेम टोयोटा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, LED टेल लाइट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, वाइपर है, शार्क फिन एंटीना है, और आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। और मुझे इसमें एक और दिखा, आपको दिखा गाइस, इसमें AWD लिखा है, इसका मतलब ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली। और इसके अपोजिट साइड में आप लोगों को कोरोला क्रॉस की बैजिंग मिल जाती है। तो यही सब कुछ आप लोगों को रियर में देखने के लिए मिल जाएगा, तो रियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जो इनोवा हाईक्रॉस है, मतलब इसकी बड़ी बहन या बड़ा भाई जो भी कहोगे आप लोग, मुझे कमेंट करके बताना, तो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो इसके साथ शेयर करने वाली है, मतलब उसी के जैसा ही प्लेटफॉर्म आप लोगों को कोरोला क्रॉस में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली इसके साथ उसके कंपोनेंट्स एंड पावर ट्रेन्स भी शेयर करे जाएंगे एंड बी बिल्ट ऑन दी सेम लाइन। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि इसका जो व्हील बेस है वो इनोवा हाईक्रॉस से तो कम आएगा, लेकिन इसकी सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां हैं उनसे 150 mm से ज़्यादा है कोरोला क्रॉस का व्हील बेस, मतलब जो क्रेटा एंड अल्काज़ार है उनसे व्हील बेस थोड़ा बड़ा है इसका, मतलब अच्छी है। और जो इस गाड़ी में सीट्स है वो पूरे के पूरे जो इनोवा हाईक्रॉस में आते हैं जो पूरे के पूरे फ्लैट हो जाते हैं, वैसे ही सीट्स इसमें भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेलगेट भी मिल जाएगा। तो गाइज इसके जो CNT पिलर्स है इनमें थोड़े बहुत चेंजेस करे जाएंगे, ताकि थर्ड रो में बैठने वाले बंदे थर्ड रो को काफ़ी इजी तरीके से एसेस कर पाए। जो गाइज थर्ड रो है उसमें जो डी पिलर आता है वो थोड़ा बहुत स्लिमर मिलने वाला है विथ प्लेंटी ऑफ ग्लासेस, ताकि थोड़ा बहुत ज़्यादा ओपन लेआउट जैसा लगे, विजिबिलिटी क्लियर हो। तो पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें आपको 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, और नॉर्मल 2.0 लीटर M20A FKS पेट्रोल इंजन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि आपको 184 HP एंड 206 Nm का टॉर्क मिलता है। और फीचर्स की बात करें तो इसमें आप लोगों को 8 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, और सेफ्टी की बात करें तो आप लोगों को ब्लाइंड स्पॉट, लेन डिपार्चर, लेन की असिस्ट, प्री एंड पोस्ट कोलिजन सेफ्टी सिस्टम, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, टायर प्रेशर मॉनिटर और मल्टीपल्स नंबर ऑफ एयर बैग्स ऑफर करती है। तो ओवरऑल ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में भी आगे है, स्पेस के मामले में भी आगे है, फीचर्स के मामले में भी आगे है, लुक्स भी अच्छे हैं।
तो ओवरऑल ये गाड़ी अच्छी है, सब में आगे है, लेकिन बात रह जाती है इसकी प्राइस की। तो प्राइस 15 लाख से स्टार्ट हो जाता है और पहुंच जाता है 20 लाख तक। तो इस प्राइस रेंज में आप लोगों को ये कार मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है। और हाँ, इसमें सनरूफ भी आता है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो सुन लो, इसमें सनरूफ भी आता है। तो यही सब कुछ था आज की इस वीडियो के अंदर। और हाँ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो, पहले करो जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।